किरचॉफ वोल्टेज लॉ और KVL। किरचॉफ का जो वोल्टेज लॉ है, जो दूसरा लॉ है, इसको हम लोग शॉर्टकट में KVL बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसे हम लोग लूप लॉ या फिर मेस लॉ भी बोलते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है? किसी बंद विद्युत परिपथ के प्रत्येक भाग से प्रवाहित वैद्युत धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। स्टेटमेंट को आपको जो है मेमोराइज करना होगा। किसी बंद विद्युत परिपथ, बंद विद्युत परिपथ का मतलब हो गया जिसमें स्विच जो है आपका ऑन है, किसी बंद विद्युत परिपथ के प्रत्येक भाग से प्रवाहित वैद्युत धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। यह विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, यानी कि प्रवाहित विद्युत धारा आई और संगत प्रतिरोध आर का गुणनफल, आई वैद्युत धारा आर प्रतिरोध दोनों के गुणनफल का जो सम है उस परिपथ में लगे विद्युत वाहक बल, जो सील का जो ईएमएफ जो होता है उसे एप्साइलन या ई से भी आप डिनोट कर सकते हैं। तो आई और आर का गुणनफल जो होता है वो विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ये सिमिलर टू ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ में भी हम लोग देखते थे कि आई इंटू आर इज इक्वल टू वी होता है। यहाँ पर भी आप एप्साइलन को आप पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर आप मान सकते हो सेल का। तो आई और आर इज इक्वल टू एप्साइलन या इज इक्वल टू वी। संगत प्रतिरोध यहाँ पर आपको याद करने में आसानी मिलेगी कि आई वैद्युत धारा आर प्रतिरोध, तो वैद्युत धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का जो सम है उस परिपथ में लगे विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। अब इसको हम लोग जो है ऐसे समझें, कोई अगर लूप है, क्लोज सर्किट है, जैसे यहाँ पर जो है एक सर्किट डायग्राम हम बना रहे हैं, इसको गौर से समझिए। ये कोई सर्किट, क्लोज सर्किट है जिसमें दो पॉइंट ए और बी है, ठीक। इसमें करंट जो है आई वन फ्लो हो रहा है, इसमें करंट आई टू फ्लो हो रहा है, इसमें करंट आई थ्री फ्लो हो रहा है। ध्यान से आपको समझना है। अब यहाँ से करंट अगर इस सर्किट में इन करता है तो ये करंट इस भाग में करंट जो है ऐसे जाएगा, फिर ये करंट यहाँ से ऐसे मुड़ करके ऐसे आएगा, और ये करंट जो है हाफ इधर और इसका कुछ पार्ट जो है ऐसे चला आएगा। तो इस सर्किट में, इस क्लोज सर्किट में I1 और I2 जो करंट है उसका डायरेक्शन आप देखिए क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है। I1 एक घड़ी की दिशा में जा रहा है, I2 भी जो है
घड़ी की दिशा में जा रहा है, लेकिन आई थ्री जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। आई वन और आई टू जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, और इसके अपोजिट करंट जो है वो आई थ्री है। यदि आई वन आई टू जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के करंट है, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के करंट है, इसको हम प्लस ले लें, और जो आई थ्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का जो करंट है इसको हम माइनस ले लें। यहाँ प्लस माइनस जो है करंट के डायरेक्शन को शो करता है। तो आई वन आई टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इनका डायरेक्शन प्लस, आई थ्री हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इसको हम माइनस लें। अब यहाँ पर आप पॉइंट को सी डाल लो। तो अब इसको समझने के लिए यहाँ पर दो करंट हमने आई वन आई टू को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखा है, और अपोजिट जो है डायरेक्शन में ये जो करंट चल रहा है वो आई थ्री है। अब ये करंट इधर से और ये करंट इधर से मिलकर के बी से आउट हो रहा है। अगर ये रेसिस्टेंस आर वन, ये हमारा रेसिस्टेंस आर टू, और ये रेसिस्टेंस हमारा आर थ्री है, तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ,